दोस्तों गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में ज़रूरत पड़ने वाली है कूलर की, पंखे की और हाँ एसी की भी। तो कूलर पंखे अब जो नए खरीदेंगे वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो पुरानों को रिपेयर कराएंगे। तो जहन में ऐसा सवाल आया कि क्यों ना कूलर और पंखे रिपेयर करने के बिज़नेस के बारे में आपको बताया जाए। तो चलिए आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और हाँ देखिए कि कैसे कूलर पंखे मरम्मत करने के बिज़नेस से आप बन सकते हैं एक अच्छे खासे बिजनेसमैन और अपनी लागत के हिसाब से इसमें आप पैसा लगा के कमाई करना शुरू कर सकते हैं। देखिए गर्मियों में राहत देने वाले इलेक्ट्रॉनिक फैन कूलर की बिक्री और रिपेयरिंग का बिजनेस आप कर सकते हैं। गाँव में बिजली की वोल्टेज में घट बढ़ होने के कारण वहाँ के बिजली के इस्तेमाल होने वाले इन उपकरणों में जल्दी जल्दी खराबी आती है। इसके अलावा ऑफ सीजन यानी सर्दियों के कारण कूलर पंखे आदि को लोग वैसे ही रख देते हैं जो रखे रखे ही धूल जमने से खराब हो जाते हैं। गर्मियों के आने से पहले इनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है और कूलर और पंखों की रिपेयरिंग का काम भी बहुत आता है। रिपेयरिंग का काम आसानी से करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले करना होगा ये काम, यदि आप बिजली के उपकरणों की मुरम्मत का काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस काम की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि पहले से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और काम करने का अनुभव है तब तो ठीक है, वरना आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। अब आप ये पूछेंगे कि ये ट्रेनिंग कहाँ और कैसे मिलेगी, इसमें कितने पैसे खर्च होंगे। ट्रेनिंग लेने के दो तरीके हैं, यदि आप सक्षम हैं तो आप ITI संस्थानों में बिजली की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्राइवेट ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों में भी इस तरह की ट्रेनिंग लेकर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ट्रेनिंग और अनुभव इस तरह से लें, यदि आप ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको अपने नज़दीक के कस्बे में किसी बिजली की दुकान में काम सीखने के लिए नौकरी करनी होगी। यदि आपको कोई नौकरी देने के लिए तैयार ना हो तो फिर बिजली दुकान पर काम कर रहे एक्सपर्ट मिस्त्री के समक्ष फ्री में सहायक बनने की पेशकश करनी चाहिए। इससे आपको उस एक्सपर्ट के साथ रहकर काम सीखने का मौका मिल जाएगा। जब काम पूरी तरह से सीख जाए तो जिनसे काम सीखा है उनका पूरा सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने गांव में बिजनेस शुरू करने की मंशा को स्पष्ट रूप से बता दें। इससे वो आपकी ईमानदारी से खुश होकर आपको खुशी खुशी विदा कर देंगे और भविष्य में कोई समस्या आने पर वो आपकी मदद भी करेंगे। बिना ट्रेनिंग के बिजली का काम करना जान को जोखिम में डालना होता है, जरा सी चूक आपकी जान ले सकती है, इसलिए पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा जोखिम ना उठाएं। छोटे मोटे काम कर लेने से कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बन जाता, इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन ना समझें, क्योंकि वक्त आने पर बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियंस भी बिजली के काम में होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। घर से ही शुरू कर सकते हैं काम। अब आप रिपेयरिंग का काम अपने घर के बाहरी कमरे में दुकान बनाकर शुरू कर सकते हैं, जहां पर कूलर रिपेयरिंग के साथ कूलर पंखा और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का भी काम कर सकते हैं। एक बार आपको लोग कूलर और पंखे की रिपेयरिंग का काम करते हुए गांव के लोग देखें तो जान लेंगे कि यहां रिपेयरिंग होती है और जिसको भी रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आ जाएगा। कुछ लोग आपको अपने घर पर भी रिपेयरिंग के लिए बुला सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। बिजनेस को चलाने के टिप्स। आपको ये बिजनेस अच्छे तरीके से और लंबे समय तक चलाना है तो आपको अपने ग्राहकों के साथ अपना अच्छा व्यवहार करना होगा, रिपेयरिंग का काम भी अच्छी तरह से करना होगा। शुरू शुरू में ग्राहकों की भावना को ध्यान में रखना होगा, इसके लिए कूलर या पंखे की रिपेयरिंग को कम से कम पैसे में करना होगा, इससे लोगों को आपके प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। यदि आप शुरू में अधिक पैसे लेंगे तो लोगों के मन में यही आएगा कि उनका कूलर या पंखा उतना खराब नहीं था जितना आप बता रहे हैं। वो ये भी सोच सकते हैं कि अपने बिजनेस के लिए बढ़ा चढ़ा कर दुकानदार बता रहा है, इससे अच्छा तो यही होगा कि शहर जाकर बनवा लें। जब आपके द्वारा बताए गए रिपेयरिंग के खर्चे बाजार में कम होंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा और ज्यादा हुए तो आपके बिजनेस को झटका लग सकता है। ये बिजनेस पूरी तरह से विश्वास और माउथ पब्लिसिटी पर निर्भर करता है, क्योंकि गांव का एरिया बहुत छोटा होता है और सभी लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। आपको गांव में किसी तरह की गुटबाजी जातिवादी चर्चाओं में नहीं फंसना है, वरना आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। आपको तो प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। एक बार आपकी दुकान का गांव में विश्वास बन जाएगा तो आपको बिजनेस की दिक्कत नहीं होगी, इसके बाद जिससे जो कहेंगे वो आपकी बात मान लेगा। तो चलिए आपकी गर्मियों का इंतजाम तो हमने कर लिया, अब आपको करना है अपने बिजनेस का इंतजाम। और हम तो यही चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से फले फूले, आपको किसी चीज की कोई कमी ना आए। लेकिन याद रखिए साथ ही साथ सेहत का भी जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। मुझे विदा दीजिए, नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।